Good morning, students. My Sanskrit subject teacher Sanju Sanni Adas Balikatan Senior Secondary School. Kaksha 8 ki Sanskrit class mein students ma aapka hardik abhinandan karti hu. To students kal humne padha tha samas jiska pehla jo topic tha avyayi bhav samas. Mujhe aasa hai ki aapko acche se samajh mein aa gaya hoga. अब हम आगे बढ़ेंगे. आज का हमारा टॉपिक है संधि. ठीक है, वैसे तो हमने पढ़ लिया लेकिन संधि का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अगली क्लास में भी काम आए. यानी ग्रामर का टॉपिक ऐसा है जो आपके अगली क्लास में भी काम आएगा. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए और नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, साथ साथ में इसको लिखते भी जाइए. तो देखो संधि, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि संधि कहते किसे हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि संधि होती क्या है. तो संधि यानी मेल को ही क्या कहेंगे, संधि कहेंगे. और मेल किनका होगा, वर्णों का मेल होगा. तो वर्णों के मेल के और वर्ण कितने होंगे, दो होंगे. तो सीधी सी बात ये है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, संधि कहेंगे. और वैसे संस्कृत में कहेंगे वर्ण संधानम, वर्णम संधानम. यानी वर्णों का मेल ही क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा. अब संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के भेद होते हैं तीन प्रकार. मानो एक तरह से संधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है. पहली है अच संधि, दूसरी है हल संधि और तीसरी है विसर्ग संधि. हलंत वर्ण है. इस हलंत वर्ण का
अणपत्या हर हो गया, ये अण सूत्र हो गया, क्या हो गया, एक सूत्र की रचना हो गई इसमें अण। अब पहले से लेकर अंतिम जो वर्ण है इन तक इन सूत्र एक सूत्र की रचना हो गई, ऋण भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे लेके अट भी हो जाता है, जैसे अट कहें हम तो अट भी हो जाता है, जैसे इक कहें तो इक भी हो जाता है, जैसे एज कहें तो एज सूत्र भी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यानी सूत्रों की रचना की जाती है। अब यहाँ हम ऐसे लेकर चर तक तो क्या कहेंगे इसको, अच कहेंगे, तो एक सूत्र बन गया है ना, ठीक है। तो सूत्र बन गया, तो जैसे पहला है ए, ठीक है, ये क्या है, स्वर है। दूसरा है ई, तो ये भी क्या है, स्वर है। तीसरा है उ, तो ये भी क्या है, स्वर है। री, नरी, नरी है, नरी होती है, ये संस्कृत का स्वर होता है, ठीक है। ए ओ आई औ, तो ये वर्ण कितने हो गए, नौ स्वर हो गए। संस्कृत में वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, नौ होती है। और नौ ऐसे लेकर च तक जितने भी वर्ण हैं वो क्या है, स्वर है। कौन से हैं, स्वर है। तो इसीलिए इसको कौन से संधि कहा जाता है, अच संधि कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई क्या। अब आगे वाले जो 10 सूत्र है उसमें पांचवे नंबर का सूत्र है ये वैट, ठीक है। तो है से शुरू होता है, ठीक है। और अपना जो 14 का जो सूत्र है वो है क्या है ले, यानी है ये मेरे, ये मैं गड़े न जब ये गड़े दसे क्या क्या चटे, तो मतलब कहने का मतलब है कि वर्ण का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण उसमें वर्ण और अंतस्थ वर्ण ये जितने भी व्यंजन हैं वो इन 10 सूत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और है से लेकर ल तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे क्या हैं, व्यंजन हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है, संधि को व्यंजन संधि भी कहा जाता है। अब आगे है विसर्ग। विसर्ग को ऐसे ये जो दो बिंदु हैं इनको विसर्ग कहा जाता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका है का उच्चारण होता है। इसका उच्चारण किसका होता है का उच्चारण, जैसे राम है, ठीक है, राम एक शब्द है, संज्ञा शब्द है। अब इस राम के आगे जब हम विसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उच्चारण करो जरा, क्या होगा इसका, राम है, क्या हो जाएगा, राम है। तो ये क्या हो गया, इसको क्या क्या नाम दिया है, विसर्ग नाम दिया, तो ये हो गया विसर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी संधि का जो भाव होते हैं वो तीन होते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि अच क्या होता है, ये हल क्या होता है, क्योंकि ऐसे लेकर च तक जितने भी वर्ण हैं उनमें उनको क्या कहते हैं, अच कहते हैं, अच में आते हैं स्वर तथा स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। है से लेकर ल तक जितने भी वर्ण होते हैं वो व्यंजन होते हैं और उनको क्या कहते हैं, व्यंजन अर्थात हल संधि कहते हैं, विसर्ग को विसर्ग संधि कहते हैं। अब अपन बात करेंगे कि ये अच संधि यानी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और पांचवी कौन सी है, अयादि संधि। अयादि संधि, तो इस प्रकार दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पहला है दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकह स्वर्ण दीर्घ, इसका सूत्र होता है अकह स्वर्ण दीर्घ, ठीक है। यानी समान वर्ण होंगे, यानी दो समान
में भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। दोनों समान वर्ण है, इन दोनों समान वर्णों को मिलाने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, आ हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आ हुआ तो क्या हो गया है, दीर्घ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो सवर्ण है यानी समान वर्ण है तो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। यानी प्रथम पद के अंत में भी वही वर्ण है, दूसरे पद के आरंभ में भी अगर वही वर्ण है, दोनों समान वर्ण है, दोनों समान वर्णों के मिलने से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कौन सा संधि का है, दीर्घ संधि का है। तो दीर्घ संधि में चाहे आ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो और चाहे री हो, तो अगर ए आने से कोई सा वर्ण होगा तो आ होगा, ह्रस्व या दीर्घ ई होगा तो उसका क्या होगा, दीर्घ ई होगा, ह्रस्व या दीर्घ ऊ होगा तो उसका भी दोनों को मिलाने पर दीर्घ ऊ होगा, अगर हस्वरी और दीर्घ री होगा तो उनके दोनों को मिलाने पर दीर्घ री होगा। तो इस प्रकार हमारा जो ये दीर्घ संधि है, इसके अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। गुण संधि है, जैसे गुण संधि को होगा अकरस करने दीर्घ है, ये तो हुआ दीर्घ संधि का। दूसरी संधि है होगा आद गुण है, आद गुण है यानी आदि में जिसके गुण हो जाता है, तो कहने का मतलब ये कि आद गुण है, इसका सूत्र है ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में अगर ई या ई आए, ऊ या उआए, या फिर री या दीर्घ री आए, तो ई का तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए, ऊ का क्या हो जाएगा, ओ, री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर री होती है तो उसका क्या हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा, ठीक है। ए आ के बाद में अगर ई और ई आए, हस्व ई और दीर्घ री ई आए तो उसका तो ए आदेश हो जाएगा, दीर्घ उ आए तो उसका ओ आदेश हो जाएगा, ऋश्वरी और दीर्घ री आए तो उसका अर आदेश हो जाएगा, और लरी का अर आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इससे अगला है वृद्धि, तो वृद्धि का सूत्र है वृद्धि रेची चय, वृद्धि रेची, ठीक है, यानी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि किसकी हो जाती है, देखो हमने यहाँ पर जो ए या आ के बाद में अगर ई या ई आए, ऊ आए तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अगर ए या आ के बाद में अगर क्या आए, ए या ई आए, ठीक है, या फिर ओ या औ आए, ए या ई आए तो ई आदेश होगा, ओ या औ आए तो औ आदेश ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रथम पद के अंत में तो क्या आएगा, ए या आ वर्ण ही आएंगे, और दूसरे पद के आरंभ में या तो ए आएगा तो भी ए ही होगा, अगर ए आए तो भी क्या होगा, ए ही होगा, ओ आए तो भी औ होगा, अगर औ है तो भी क्या होगा, औ आदेश ही होगा। यानी इन दोनों की जगह ए ऐ औ का आदेश हो जाता है, तो वृद्धि रेची वृद्धि हो जाती है। इसकी पहचान है शिरो रेखा के ऊपर जहाँ से हम टुकड़े करते हैं, इसके ऊपर दो मात्राएं होती है तो वो वृद्धि संधि की पहचान होती है। इसी तरह गुण संधि है, गुण संधि के शिरो रेखा के जिसके जिस वर्ण के हम टुकड़े करते हैं उसी वर्ण के ऊपर एक मात्रा लगी होती है तो वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। और जहाँ से हम टुकड़े करते हैं वो वर्ण कैसा है, दीर्घ है, तो दीर्घ संधि का यही पहचान है। वर्ण कैसे होने चाहिए, दीर्घ संधि की पहचान क्या है, समान स्वर होने चाहिए। अगर ए आए तो पर दूसरे पद के आरंभ में भी ए ही होना चाहिए, आ भी हो सकता है, यानी ए या आ दोनों दोनों होने चाहिए। अगर ई आए तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई ही होनी चाहिए, अगर ऊ आए तो ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ होना चाहिए, अगर री आए तो री ही होनी चाहिए। यानी समान स्वर होगा वहां पर दीर्घ संधि होगा, आद गुण है गुण होगा वहां पर गुण संधि ए और ऐ का आदेश, ए ओ ऐ, ए ओ दीर्घ, ए ओ ए ओ दीर्घ, यानी ए का
E का A, U का O, री का L और री का अनादेश हो जाए ये हो गई वृद्धि संधि। अब है यण संधि। तो यण संधि का क्या होगा? यण संधि जैसे अपने ये वह मैंने पहचान बताई थी ना कि ये वह से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो वो कौन सी संधि की पहचान होती है? यण संधि की पहचान होती है। तो यण संधि में जैसे अत्यधिक है तो अत्यधिक में कौन सा वर्ण है, आधा कौन सा वर्ण है? इसका सूत्र होगा इको यणति। इक का यण आदेश हो जाता है। जैसे हमने 14 महेश्वर सूत्र पढ़े थे उसमें हमने सूत्र बनाए थे इक एच एंड उण, इस प्रकार सूत्र पढ़े थे। इसी तरह एक तो होगा इक, एक होगा यण। तो इक में आ जाएगा जैसे हमने इक में पढ़ा था ई उ री और नृ, ये चार वर्ण पढ़े थे ना ए, जैसे ए ई उ री नृ ए ई उ। यहाँ पर आ रहा था ठीक है। और दूसरी ये तो होगा पहला सूत्र, दूसरे सूत्र में क्या था? ठीक है। तीसरे सूत्र में था ने। तो हम बात करें एक प्रत्याय की, तो यहाँ पर देखो ई से लेकर क तक का वर्ण कुछ है, यहाँ क है और यहाँ क्या है? ई है ठीक है। अब यहाँ पर ये ए है, ए तो दिया नहीं ना, ए हट गया। अब इस हलंत वर्ण को भी हटा दें क्योंकि ये तो सूत्र को बनाने में सहायता देते हैं ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ई हो गया ऊ हो गया री और लरी, चार वर्ण हो गए ना। तो अब देखो हो जाए। तरीका है एल एल।
अपने सहायक होते हैं, तो ए ओ आई चार राउंड बच गए ना, तो हो गए ना एच प्रत्यय, तो ए आई ओ अभी हो गया एच। अब एच आएगा तो ए ओ आई ओ अब हो जाएगा ना। अब इसी तरह है एक का
भी हो। तो स्टूडेंट्स, आपको इस संधि से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, उसका विच्छेद और संधि शब्द बनाने हैं और उनके सामने उसके नाम भी लिखने हैं। किसके नाम लिखोगे? जिस जो उदाहरण जिस संधि का है उस संधि का नाम भी आपको सामने लिखना है। प्रैक्टिस करते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।